Now we are going to discuss conformational isomerism in cyclohexane. But conformational isomerism in cyclohexane को discuss करने के पहले हम लोगों को जानना है कि heat of combustion क्या होता है. तो पहले मैं आपको heat of combustion बता देता हूँ. Heat of combustion या HOC. फिर हम लोग इसको discuss करते हैं. किसी कंपाउंड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पर वाटर बनेगा, CO2 बनेगा और उस प्रोसेस के दौरान निकलने वाली एनर्जी को हीट ऑफ कंबशन कहेंगे और उस प्रोसेस को कंबशन बोलेंगे. जैसे मैं एल्केन ले लूं, एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 है. इसको मैंने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया 3n+1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो फाइनली हमें मिल जाएगा n मोल ऑफ CO2 प्लस एन प्लस वन मोल ऑफ H2O. और इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी निकल गई उसी को हीट ऑफ कंबस्शन बोलते हैं. हीट ऑफ कंबस्शन और स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन होता है. मींस किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबस्शन. अगर ये कंपाउंड स्टेबलाइज होगा तो इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगा, तो ना वाटर बनेगा, ना CO2 बनेगा, ना एनर्जी निकलेगी. तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हीट ऑफ कंबस्शन बहुत ही कम होगा. सो दिस इज अबाउट हीट ऑफ कंबस्शन. अब हीट ऑफ कंबस्शन को कन्फर्मेशनल ऑफ साइक्लोहेक्सेन से कैसे रिलेट करेंगे उसको देखते हैं. अगर मैं वेरियस साइक्लिक कंपाउंड लूं, जैसे कि मैंने साइक्लोप्रोपेन लिया, यहां पर दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोपेंटेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज साइक्लोहेप्टेन. साइक्लोहेप्टेन में 7 कार्बन ऐसे. साइक्लोहेक्सेन प्रोपेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज सी एस टू, दिस इज सी एस टू. अब इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा. तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, बट ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री ही होता है, यानी ओरिजिनल से 49 डिग्री का डेविएशन है, 49 डिग्री कम है यहाँ पर. अब जब बॉन्ड एंगल 49 डिग्री कम है ओरिजिनल से, तो कंपाउंड रिलैक्स नहीं है, कंपाउंड बहुत स्ट्रेन होता है. यानी जो साइक्लोप्रोपेन है दैट इज स्ट्रेन कंपाउंड, दैट इज नॉट रिलैक्स कंपाउंड. साइक्लोब्यूटेन में आते हैं तो एक कार्बन बढ़ गए, तो ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री से बढ़ के 90 डिग्री हो गया, तो एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम हुआ, 109 के करीब आने लगा. साइक्लोपेंटेन में बॉन्ड एंगल 108 डिग्री हो जाता है, यानी ओरिजिनल के बहुत ही करीब आ गया, यानी इसमें एंगल स्ट्रेन मिनिमम टाइप का हो गया. साइक्लोहेक्सेन में अब ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ये बॉन्ड एंगल 109 से बढ़ के 120 डिग्री हो जाता है. जैसे एंगल कम होने से स्ट्रेन ज्यादा होता है, वैसे एंगल ज्यादा होने से भी स्ट्रेन बढ़ जाता है. और यहां पर ये बॉन्ड एंगल 131 डिग्री है. तो अगर मैं एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग बात करूं तो साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोपेंटेन तक एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेन डिक्रीजेस. और फिर अगेन यहां से स्ट्रेन बढ़ने लगा, स्ट्रेन इंक्रीजेस. तो एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबलाइज साइक्लोपेंटेन होता है. बट एक्सपेरिमेंटली किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी एंगल स्ट्रेन से डिसाइड नहीं करते, उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन से डिसाइड करते हैं. हीट ऑफ कंबस्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबलाइज साइक्लोहेक्सेन होता है. इन सभी कंपाउंड को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, बर्न करने पर कार्बन हीट ऑफ कंबस्शन वैल्यू जिसकी कम आएगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. तो हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू सबसे कम साइक्लोहेक्सेन के लिए आएगी. एचओसी डिक्रीजेस. और फिर अगेन एचओसी इंक्रीज करने लगता है, एचओसी इंक्रीजेस.
तो हीट ऑफ कंबस्टन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबलाइज साइक्लोहेक्सेन है। नाउ साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबलाइज क्यों है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन को डिस्कस करते हैं। तो कन्फर्मर्स के अकॉर्डिंग जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो फ्लैट सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक रिंग के फॉर्म में नहीं होता। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन फ्लैट सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक रिंग के फॉर्म में ना होके वो वेरियस कन्फर्मर जैसे इक्लिप्स स्टैगर्ड होते हैं उसी तरह ये भी चेयर और बोर्ड फॉर्म में होता है। दिस इज चेयर फॉर्म। This is boat. That is inverted chair. And this is crown. तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होता रहता है इस तरीके से। वॉट एवर स्ट्रेन प्रेजेंट इन साइक्लोहेक्सेन, जैसे कि हम इसमें बता रहे थे कि बाउंड एंगल 120 डिग्री है, दैट इज रिमूव बाय देयर रेगुलर इंटर कन्वर्जन इन वेरियस कन्फर्मर, दैट इज चेयर, बोट, इन्वर्टेड चेयर एंड ग्राउंड कन्फर्मर। दिस इज चेयर कन्फर्मर। दिस इज बोट, इन्वर्टेड चेयर एंड क्राउन। और इन कन्फर्मर में आने से बॉन्ड एंगल परफेक्ट 109 डिग्री भी हो जाता है। आप देखिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है, दिस इज 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री, ऑल आर 109, दिस इज 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री, अगर यहाँ भी ये 109, 109, दिस इज 109, यहाँ भी 109 डिग्री है, सब 109 डिग्री। तो आप देखिए एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग यहां पर बॉन्ड एंगल परफेक्ट 109 डिग्री है, तो एंगल स्ट्रेन यहां जीरो है, तो एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग भी सबसे ज्यादा स्टेबलाइज साइक्लोहेक्सेन हो गया। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इथेन और ब्यूटेन में इक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मर होते थे, जिसमें इक्लिप्स में सब पैरेलल था, स्टैगर्ड में अपोजिट थे, तो नॉर्मली स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबलाइज था, इक्लिप्स कम स्टेबलाइज था। उसी तरह चेयर और बोट में भी बोट की स्टेबिलिटी कम होती है और चेयर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बोट इज इक्लिप्स कन्फर्मर, चेयर इज स्टैगर्ड कन्फर्मर। तो चेयर और बोट में नाउ बोट इज लेस स्टेबलाइज एंड दिस इज मोर स्टेबलाइज। इन्वर्टेड चेयर और क्राउन भी एक तरह से चेयर और बोट है। अगर आप इसको पीछे से ऐसे देखेंगे तो ये आपको बोट दिखेगा और ये आपको चेयर दिखेगा। तो बेसिकली साइक्लोहेक्सेन के दो ही स्टेबलाइज कन्फर्मर होते हैं, चेयर और बोट। उसमें भी चेयर की स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है, बोट की स्टेबिलिटी कम होती है। चेयर के बोट के कन्वर्ट होने के दौरान तमाम और इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको एसक्यू कन्फर्मर बोलते हैं, जो कि हाईली डिस्टेबलाइज होते हैं, जिसमें हाफ चेयर, हाफ बोट, ट्विस्टेड चेयर, ट्विस्टेड बोट, ये सब स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि डिस्टेबलाइज होते हैं, दैट आर नोन एज एसक्यू कन्फर्मर। स्टेबलाइज कन्फर्मर के अलावा जितने अदर डीस्टेबलाइज कन्फर्मर होते हैं उनको हम स्क्यू बोलते हैं, आपको बताया गया था। नाउ चेयर और बोट में बोट की स्टेबिलिटी कम क्यों है, एंड बोट इज द इक्लिप्स कन्फर्मर। दिस बोट इज इक्लिप्स एंड द चेयर इज स्टैगर्ड कन्फर्मर। तो बोट इक्लिप्स क्यों है, बोट की स्टेबिलिटी कम क्यों है, उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं एक बोट कन्फर्मर यहां बनाता हूं, दिस बोट कन्फर्मर, तो आप देखिए इसके कार्बन नंबर वन, दिस इज कार्बन नंबर वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस वन इज फोर, फाइव और सिक्स, यहां पर दो बॉन्ड है, यहां पर भी। तो सी वन और सी फोर वैलेंसीज के बीच रिपल्सन होने लगता है। सी वन और सी फोर पैरेलल है बोट में ऐसे,
तो वन की और फोर की दोनों वैलेंसीज में, इन दोनों में और इन दोनों में रिपल्सन होने लगता है, तो इन दोनों में जो रिपल्सन होता है ये दैट इज नोन एज फ्लैग पोल रिपल्सन। तो C1 और C4 में रिपल्सन होगा। जितना रिपल्सन इन दोनों रेड वाले हाइड्रोजन में होगा उतना ही रिपल्सन इन दोनों में भी होगा। इन दोनों के भी डायरेक्शन सेम है, जैसे मैंने बताया दोनों ऐसे। तो बोट फॉर्म फ्लैगपोल रिपल्सन के कारण लेस स्टेबलाइज होती है, और बोट फॉर्म में सारी वैलेंसीज पैरेलल है, जैसे आपने देखा C1 और C4 पैरेलल, उसी तरह C2 और C6 की वैलेंसीज भी पैरेलल है, ऐसे ये सब भी पैरेलल। उसी तरह C3 और C5 की वैलेंसीज भी पैरेलल है ऐसे, आप देखें ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, उसी तरह ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, सब पैरेलल, इसलिए बोट की स्टेबिलिटी कम। नो चेयर फॉर्म में C1 और C4 की वैलेंसीज अपोजिट है, आप देखिए चेयर फॉर्म को ऐसे, तो आप देखिए दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 1 की दोनों वैलेंसीज इधर और 4 की दोनों वैलेंसीज इधर, आप देखिए 1 और 4 अपोजिट हैं, और जिसमें वैलेंसीज अपोजिट होती हैं वो स्टैगर्ड कहलाते हैं। सो दिस इज स्टैगर्ड एंड दिस इज इक्लिप्स, और स्टैगर्ड और इक्लिप्स में इक्लिप्स की स्टेबिलिटी कम, स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो साइक्लोहेक्सेन के मेनली दो कंफर्मर चेयर और बोट, और उसमें बोट की स्टेबिलिटी कम, चेयर की स्टेबिलिटी ज्यादा। बोट इक्लिप्स है और चेयर आपका स्टेगर्ड। अब जो चेयर कंफर्मर होता है उसमें हर कार्बन पर दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। ये मैं ऐसे बना दूं फिर से आपको चेयर कंफर्मर, मैं दो चेयर का स्ट्रक्चर आपको यहां ड्रॉ कर रहा हूं। तो चेयर कंफर्मर में हर कार्बन पर की दो तरह की वैलेंसी, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। एक्सियल क्या है, इक्वेटोरियल क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इक्वेटोरियल को ई से। चेयर कंफर्मर में जो ये चार कार्बन है बीच में, ये चारों मिलके प्लेन बना लेते हैं ऐसे, ये चारों कार्बन 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों एक प्लेन बना लेते हैं। तो हर कार्बन की वैलेंसी जो इन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो एक्सियल होगा, और जो इन प्लेन से दूर जाएगा वो इक्वेटोरियल होगा। तो पहले मैं हर स्ट्रक्चर में, दो चेयर कंफर्मर मैंने यहां बनाए, तो मैं क्या करता हूं कि एक में सारी एक्सियल वैलेंसी ड्रॉ करता हूं और एक में सारी इक्वेटोरियल वैलेंसी ड्रॉ करता हूं। जैसे मैंने बताया कि ये चारों कार्बन मिलके प्लेन बना लिए, तो एक्सियल वैलेंसीज जो होंगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, तो सारी एक्सियल वैलेंसीज मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसका एक्सियल वैलेंसी ये ऊपर हो जाएगा, इसका एक्सियल वैलेंसी यहां आ गया, इसका एक्सियल ऐसे, इसका एक्सियल ऐसे, इसका एक्सियल ये, इसका एक्सियल ये, ऑल आर एक्सियल वैलेंसी जो परपेंडिकुलर। और जो इससे दूर हो, इक्वेटोरियल हो, जो प्लेन से दूर हो, तो इसकी इक्वेटोरियल वैलेंसी इधर होगी, दिस इज इक्वेटोरियल, ये इसकी इक्वेटोरियल वैलेंसी, यहां पर इक्वेटोरियल वैलेंसी, दिस इज इक्वेटोरियल, दिस वन इज इक्वेटोरियल एंड दिस वन इक्वेटोरियल, जो प्लेन से दूर जाए, ये चारों प्लेन थे, प्लेन से दूर जा रहा है ऐसे 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 ऐसे। तो हर कार्बन पर दो तरह की वैलेंसी, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, तो दोनों एक साथ मौजूद होती हैं। तो मैं एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाता हूं जिसमें मैं दोनों को एक साथ ड्रॉ कर दूं, ये चेयर कंफर्मर,
इस तरीके से। इसको और आसानी से समझने के लिए मैंने क्या किया कि बीच में एक ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। सो हर कार्बन की वो बैलेंसी जो इस डॉटेड लाइन के पैरेलल रन करे वो एक्सियल होगा। तो इस कार्बन की एक्सियल बैलेंसी ये हो गई, इस कार्बन की एक्सियल बैलेंसी ये हो गई, इसकी एक्सियल बैलेंसी ऐसे, इसकी एक्सियल बैलेंसी ये, यहां पर ये एक्सियल बैलेंसी आप देखिए डॉटेड लाइन के पैरेलल है और ये एक्सियल बैलेंसी हो गई। और हर कार्बन की वो बैलेंसी जो इस डॉटेड लाइन से दूर जाए वो इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो इसकी इक्वेटोरियल बैलेंसी ऐसे आ गई, यहां पर आ गई। इस तरह से तो हर कार्बन पर आपने देखा दो तरह की बैलेंसी, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल बैलेंसीज में भी इक्वेटोरियल बैलेंसी ज्यादा स्टेबलाइज है और एक्सियल बैलेंसी कम स्टेबलाइज है। उसका रीजन ये है कि एक्सियल वैलेंसीज पैरेलल हो सकती हैं। आप देखिए कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। तो आप देखिए 1 और 3 की एक्सियल वैलेंसी पैरेलल है तो इन दोनों में रिपल्सन होगा, जबकि इक्वेटोरियल वैलेंसी सब दूर है एक दूसरे से, एक इधर है तो एक इधर है। आप देखें एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, इसमें और इसमें कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। So all equatorial valencies are away from each other. All equatorial valencies are away from each other. While C1 and C3 valencies are parallel. So, repulsion में आकर between C1 and C3 axial valencies तो C1 C3 axial valencies में repulsion हो सकता है, इसलिए जो bulky groups हैं prefer to occupy equatorial position. इसलिए जो bulky groups होते हैं वो हमेशा equatorial position पर जाना पसंद करते हैं और equatorial position पर repulsion कम होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं 4 compounds आपको देता हूं, जैसे ये 4 different compounds हैं, इस तरीके से यहां पर ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है CH3, मैंने यहां पर इसको एक्सियल पे कर दिया और ये इक्वेटोरियल पर, उसी तरह ये अब यहां पर हमने इसको इस CSC को एक्सियल पे कर दिया और इसको इक्वेटोरियल पर कर दिया टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को, और एक हमने ऐसा किया कि दोनों को एक्सियल पोजीशन पर कर दिया ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप। ये स्ट्रक्चर नंबर ए, ये बी, सी और डी। अब आपसे बोला जाए कि ए बी सी डी में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी स्टेबिलिटी कम है बताएं। तो मैंने बताया कि जो बल्की ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाना चाहेंगे। तो ए बी सी डी में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइज होगा वो ए होगा, क्योंकि ए में सब इक्वेटोरियल,
और ए के बाद बी और सी में आप देखें तो यहां पर बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पर है, यहां स्मॉलर ग्रुप इक्वेटोरियल पर। तो बी और सी में सी की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा और डी की स्टेबिलिटी सबसे कम। डी में स्टेबिलिटी सबसे कम क्योंकि इन दोनों की पोजिशन पैरेलल है तो इन दोनों में रिपल्सन हो सकता है। यहां पर क्या होगा कि यहां रिपल्सन होगा बट ये दोनों हाइड्रोजन में ही होगा जो कि बहुत ही लेस रिपल्सन होगा। यहां पर क्या है कि हाइड्रोजन और CH3 के बीच रिपल्सन है तो रिपल्सन थोड़ा बढ़ गया। यहां रिपल्सन हाइड्रोजन और CH3 के बीच है तो C का रिपल्सन B के कंपैरिजन में कम और यहां रिपल्सन दो बल्कि ग्रुप्स के बीच है तो D की स्टेबिलिटी सबसे कम। और अगर इन चारों में हीट ऑफ कंबस्शन का ऑर्डर पूछा जाए कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, हीट ऑफ कंबस्शन किसका कम ज्यादा, तो हीट ऑफ कंबस्शन स्टेबिलिटी का रिवर्स हो जाएगा। तो हीट ऑफ कंबस्शन सबसे ज्यादा डी देन बी देन सी देन ए, इस तरह से हो जाएगा। नाउ इसी तरह अगर मैं एक कंपाउंड ये ले लूं, दिस वन, या मैंने साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन कर दिया, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है। अब आपसे बोला जाए कि इनके कन्फर्मेशनल आइसोमर ड्रा करें और ये बताएं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी स्टेबिलिटी कम है। तो इसके कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या क्या होंगे उसको देखते हैं। पहला तो एक इसका कन्फर्मेशनल आइसोमर ऐसे हो गया, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है तो लोन पेयर हमने एक्सियल पे कर दिया और ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे कर दिया। एक कंपाउंड में ऐसा ले लू, नाइट्रोजन जिसमें लोन पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर और एच यहां पर ऐसा। अब ये दो स्ट्रक्चर हो गए, दो कंफर्मर हो गए। अब आपसे बोला जाए इन दोनों कंफर्मर में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी स्टेबिलिटी कम है बताएं। नाउ दिस वन इज मोर स्टेबलाइज्ड देन दिस वन। आप देखिए कि यहां पर हाइड्रोजन भी मौजूद है यहां पर और यहां भी हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहां पर क्या है कि यहां इन दोनों में रिपल्सन होगा तो यहां पर रिपल्सन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होगा और यहां पर जो रिपल्सन है वो लोन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। नाउ दिस इज लेस स्टेबलाइज and this is more stabilized। अब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी कम। सो इस तरह से हम बता देंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबलाइज है कौन सा स्ट्रक्चर कम स्टेबलाइज है।